पता चला कि कोई अनपढ़ गंवार एल्विश यादव भी है जो अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है, जो ऐसा मानता है कि औरतों को गालियां देना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। और तो हेलो भाई लोग, की हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले एल्विस यादव के बारे में, केआरके के बारे में। तो भाई लोग, केआरके ने बहुत गंदा रोस्ट कर दिया एल्विस यादव एंड उनके फैंस वालों को। तो क्या किया रोस्ट, चलिए मैं थोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ। पूरा वीडियो देखना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से पूरा वीडियो जाके देख सकते हो। देखिए, मैं इस बदतमीज लड़के के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। ये बिग बॉस ओटीटी में आया और उसे जीत गया, और तब जाकर मुझे पता चला कि कोई अनपढ़ गंवार एल्विस यादव भी है जो अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है, जो ऐसा मानता है कि औरतों को गालियां देना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, औरतों के बारे में गलत सलत बातें करना उसका कर्तव्य है। अगर वो लड़कियों को गालियां नहीं देगा, लड़कियों के बारे में गलत सलत नहीं कहेगा, तो लोग उसको मर्द नहीं मानेंगे। तो जब इसने ओटीटी बिग बॉस जीता, ये न्यूज में आया और मुझे भी पता चला, तो मैंने भी सोचा कि भाई इसके बारे में जानते हैं। जब मैंने इसके कुछ वीडियोस देखे, तब मुझे पता चला कि भाई ये तो गाली गलौज करने वाला इंसान है, बहुत ही घटिया अनपढ़ गंवार आदमी है। और फिर मुझे हैरानी हुई कि भाई जब ये इतना घटिया इंसान है, ये औरतों के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है, इतनी गालियां देता है, तो फिर कुछ लोग इसको फॉलो क्यों करते हैं। फिर मुझे अचानक कैरी मिनाती याद आ गया, वो लुक्खा भी गालियां ही देता है और उसको भी मिलियंस में फॉलो करते हैं। तो मेरी समझ में ये आया कि आज लोगों को गालियां बहुत पसंद आती है। तो भले इतना गंदा रोस्ट करने के बाद एल्विस यादव को रिप्लाई देना चाहिए या नहीं, अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे ही एल्विस यादव रिप्लाई दे देते हैं, मैं आपको फटाक से अपडेट दे दूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना।